हेलो फ्रेंड्स, यूनिक फैमिली ब्लॉग में आप सबों का हृदय से स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, ये बंदा गोभी की सब्ज़ी है। इसमें फिश हेड देख करके बना हुआ है और मैं कोशिश करी हूँ कि बंगाली की तरह ही बना सकूँ। ये मछली करी है। ये दोनों की रेसिपी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। मछली और फिश का हेड दोनों मैं धो ली थी और उसमें हल्दी नमक मिला दी थी। बंधा गोभी काट के रखी हूँ। आलू क्यूब साइज़ में काटी हूँ। प्याज भी काट दी हूँ। बंधा गोभी को हल्का बॉईल कर लूँगी क्योंकि इसे एसिडिटी होने की संभावना रहती है अगर मैं बॉईल ना करती तो। अब मैं कढ़ाई में तेल डाली। तेल की क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि आलू फ्राई करना है, फिश फ्राई करना है। आलू फ्राई हो चुका है, लाल है, तो बस मैं इसे निकाल ले रही हूँ। मैं फिश का हेड ही सबसे पहले फ्राई करूँगी। ये इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल ही लगता है फिश फ्राई करने के समय। अगर तेल ज़्यादा हो गया है तो इसे मैं बाद में निकाल भी सकती हूँ। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ बंधा गोभी और फिश हेड दे करके सब्जी बनाने के लिए। उधर फिश फ्राई हो रहा है और मैं फिश हेड की और बंधा गोभी की सब्जी की रेसिपी स्टार्ट कर दी हूँ। इसमें लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाली और सारे मसालों का पाउडर डाली हूँ, जिसमें जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालूँगी मैं बाद में। ये मिक्स कर दी आँच को कम करके, नहीं तो जलने का डर रहता है। टमाटर डाल करके इसे मैं फ्राई करूँगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे। मेरा बेटा वीडियो कर रहा है, छोटा है, उसे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। फिश हेड फ्राई हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा भाजना पड़ता है। इसी तेल में मैं फिश की पीस भी फ्राई कर ले रही हूँ। ये फिश की पीस फ्राई हो रही है, तब तक मैं वो मसाले में बंधा गोभी जो बॉईल करके रखी थी वो डाल दी और फ्राई आलू डाल दूंगी और दोनों मिला करके उसे थोड़ा देर चलाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। नमक डाल दी। मैं अक्सर नमक भूल जाती हूँ इसलिए मैं नमक डाल दी। थोड़ा सा चीनी डाली हूँ। मैं बताई थी ना बंगाली के जैसा बना रही हूँ, तो बंधा गोभी की सब्ज़ी में थोड़ी सी चीनी डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये अच्छा बना ही है। फिश हेड को मैं अपने औजार से काट रही हूँ। मेरा औजार कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। इसको पकड़ के मैं काट रही हूँ, नहीं तो ये इधर उधर फिसल जा रहा है। छोटा छोटा टुकड़ा में आप लोग मार्केट में बोल भी सकते हैं काट के देने के लिए, तो ये लोग काट के भी देते हैं। अब मैं इसे मिला दी। ये सारा प्रोसेस कम आँच में ही करने की कोशिश करिएगा। जब फिश फ्राई होता है उस समय आँच ज़्यादा रखेगा। फिश फ्राई जब कर रही थी तो तेल में मैं थोड़ा सा नमक डाल दी थी, ये मेरी ट्रिक है जिससे कि फिश नीचे सटता नहीं है और फ्राई भी वेरी वेल होता है। फ्राई ठीक हो रहा है, तो ये मेरी फिश फ्राई हो चुकी है। इधर बंधा गोभी की सब्जी लगभग रेडी है। इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दी, फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फिश की करी बनाने के लिए मैं तेल में प्याज डाल करके इसे फ्राई कर दूँगी। प्याज अच्छी तरह फ्राई करना होगा। और ये प्याज की क्वांटिटी आप जितना देख रहे हैं उसमें से थोड़ा सा प्याज मैं बंधा गोभी में मिक्स कर दूँगी। आप चाहे तो बंधा गोभी में उस समय भी दे सकते थे। मैं दोनों एक साथ कर रही हूँ तो मुझे ये थोड़ा सरल लगा।
अब इसमें लहसुन, मिर्ची, हरी मिर्च है ये, मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाल दी। हरी मिर्च हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, लाल मिर्च एक्चुअली कलर के लिए मैं देती हूँ। और सारे मसाले क्वांटिटी के अनुसार मिला दी। अब इसे भी कम आंच में भूंजूंगी, जिससे कि ये मसाला अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ा सा पानी दी क्योंकि इसमें पाउडर मसाला भी डाला हुआ है, नहीं तो ये जल जाता है। नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छी तरह से मिला दी। और जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा तब तक तो मैं इसे चलाती रहूँगी। मेरा कहना है जब तक मसाला अच्छी तरह फ्राई नहीं होता है तो सब्ज़ी खाने में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा समय लग रहा है, आप लोग भी वेट करिए। टमाटर मिला दी, अगर आपके पास मटर सूटी है तो वो भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ फिश बना रही हूँ, आलू और फूल गोभी मिक्स नहीं करी हूँ। अब इसमें जैसा आपको करी रखना है उस तरह का ग्रेवी के अनुसार मैं इसमें पानी डालूँगी। आप पतला ग्रेवी भी रख सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा ग्रेवी भी रख सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये मेरी ग्रेवी लगभग रेडी हो चुकी है, फिश फ्राई हो चुका है, मैं डाल रही हूँ। फिश की थाली अच्छी लग रही थी ना, करी की कलर एकदम मस्त लग रही है। फिश मिला दी, थोड़ा एक उबाल आने तक मैं छोड़ूंगी, उसके बाद ये कंप्लीट है। कैसा लग रहा है दोस्तों? फिश करी रेडी, और इधर आपका बंधा गोभी का सब्जी भी मेरा रेडी हो चुका है, जो कि मैं सर्व कर चुकी हूँ। आपको फिश हेड दिख रहा है ना, मेरा औजार के साथ तोड़ा हुआ। ये रही मेरी दोनों रेसिपी, रेडी हो चुकी है। अब हम लोग को भूख लगा है, खाने जा रही हूँ। बाय।